माइनक्राफ्ट बट मेरा वर्ल्ड होने वाला है एक जार में। डेजर्ट टेंपल, वुडलैंड मेंशन, शिपव्रैक, हर एक चीज अलग अलग जार्स में होने वाली है। तो आइडिया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट ये चीज हमारी गेम को हार्ड बनाती है, क्योंकि ये सभी जार्स होने वाले हैं स्काई में। और अगर मैंने छोटी सी भी मिस्टेक करी और जार से इधर उधर गिरा तो सीधा जाऊंगा वॉइड में और मैं मर जाऊंगा। लेट्स गो। तो हमें जरूरी नहीं है उस कैप को ही ओपन करके जाना है, हम लोग कहीं से भी जा सकते हैं। उधर सामने एक बहुत बड़ा जार है जिसमें पूरा का पूरा विलेज है, उस तरफ में डेजर्ट वाली टर्टल्स वगैरह और बेडरॉक भी है वहां पे। वाओ, ये भी ठीक है। और सामने मुझे वो देखो डेजर्ट टेंपल नजर आ रहा है और इस तरफ में स्प्रूस है, और अगर उस तरफ देखूं वहां पर शिप। ओ वेट, अपनी फूड का इंतजाम वहां पर होने वाला है। उधर देखो कांव पे वो टोटल चार जार है और चारों जार्स में बहुत सारा खाना है, और इस तरफ में तो बहुत सारा गोल्ड आयरन। ये वाला जार बहुत काम का है, वहां पर जाना जरूरी है। बट हां यार, उससे ज्यादा जरूरी तो अपना ये डेजर्ट टेंपल है ना। पहले यहां पर चलेंगे, फिर मैं बाकी जगह जाने वाला हूं। बाकी जहां से अपना गेम स्टार्ट हुआ है यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ट्री है, बट प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि सिंगल ट्री में ही बहुत सारा वुड है, तो मैं काफी सारे टूल्स बना सकता हूं। यहां पर अच्छा खासा स्टोन भी होना चाहिए। वेट, यहाँ पर मेरे लिए एक मस्त माइन बनी हुई है जहाँ पर कोल और लेट्स गो चीजें बहुत सारी है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं काम। फिलहाल यहाँ पर एक चेस्ट है जिसके अंदर कुछ बुक्स रखी हुई है। तो गाइस, अभी ना पता है प्रॉब्लम क्या है। ये जितने भी जार आप दूर दूर तक देख पा रहे हो, मुझे अगर वहां तक पहुंचना है तो प्रॉपर ब्रिजिंग करनी पड़ेगी, ब्रिज बनाना पड़ेगा, और ब्रिज बनाने के लिए मुझे ढेर सारे कोबलस्टोन माइन करने होंगे। तो ढेर सारे कोबलस्टोन माइन करने के लिए मैं बनाऊंगा एक सिंपल कोबलस्टोन फार्म। डन। तो मैंने यहाँ से ढेर सारा वुड तोड़ लिया, फटाफट से इसको यहाँ पर रखकर एक क्राफ्टिंग टेबल बना। ओ, मैं क्राफ्टिंग टेबल क्यों बना रहा हूं, ऑलरेडी यहां पर पड़ा हुआ है क्राफ्टिंग टेबल, तो क्यों ना डायरेक्ट स्टिक्स में यहां से लेकर एक पिकैक्स और एक एक्स बना लेता हूं, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सॉर्ड भी बना लेते हैं क्योंकि मुझे नीचे से बहुत सारी स्पाइडर्स की आवाज आ रही है। पक्का वहां पर कोई ना कोई स्पाइडर तो मेरा वेट कर रही है। ठीक है, बाकी केव कहां पर है, केव से चलते हैं ना। केव, मुझे फूड चाहिए होगा बहुत सारा, तो फटाफट मुझे पहले तो चलो कोई नहीं, पहले मैं कोल माइन कर लेता हूं, फिर उसके बाद चलेंगे वो जो फूड वाला जार है, मींस जिस जार में ढेर सारी काउ शीप्स वगैरह, वहां पर चलते हैं। ओके, तो मैंने यहां से ढेर सारा कोल माइन कर लिया, और मुझे ध्यान रखना है कहीं मैं ये वाला ग्लास ना तोड़ दूं, अदरवाइज मैं नीचे ही चले जाऊंगा फिर। ओके, मैं एक पहले टॉर्च बना लेता हूं ताकि थोड़ी बहुत रोशनी हो जाए यहां पर। फिलहाल अभी बाहर से लाइट आ चुकी है तो रोशनी की जरूरत नहीं। तो यहां पर जितना भी कोल था ना, मैंने सारा का सारा इकट्ठा कर लिया। अब थोड़े से कोबलस्टोन्स भी इकट्ठे कर लेते हैं क्योंकि स्टोन की पिकैक्स, एक्स एंड सॉर्ड बनानी है, और मेन चीज फर्नेस भी बनाना है, तो फिर स्टोन ढेर सारा मुझे चाहिए ही होगा। ओह लेट्स गो, यहां पर मुझे आयरन भी मिल चुका है। बाय द वे, आगे से मुझे स्पाइडर का साउंड आ रहा है, तो हो सकता है वहां पर बहुत सारी स्पाइडर्स बैठी हो मुझे मारने के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भी मैंने इनफ स्टोन माइन कर लिया। फटाफट से भाग के चलते हैं ऊपर और सारे टूल्स बना के लाता हूं, फिर चलूंगा स्पाइडर से लड़ने के लिए। लो भाई, ले आओ ले आओ ले आओ, पहले तो स्टिक्स बना लेता हूं, और इन स्टिक्स को यहां पर रखकर मुझे बनाना है स्टोन का पिकैक्स, स्टोन का एक्स, यानी एक स्टोन की नहीं, मैं सीधा आयरन की सॉर्ड ही बनाऊंगा, वही सही है। और अभी भाग कर चलते हैं अंदर यहां से ढेर सारा आयरन भी माइन करने के लिए। काश मुझे इतना आयरन मिल जाए कि मैं एक आयरन की चेस्ट प्लेट बना पाऊं यार। ऑल डन गाइस, तो भी मैंने यहां से ढेर सारा आयरन माइन कर लिया है। बाय द वे, मुझे ना अभी नीचे से बहुत सारे लावा का साउंड आ रहा है, और जो स्पाइडर्स का साउंड आ रहा था ना वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी स्पाइडर्स हैं ना, ये मेरे काफी ज्यादा आसपास हैं। ओह, यहाँ पर ये देखो कौन से वाले ब्लॉक्स आने लगे। ओ तेरी, यहाँ पर एक दो नहीं, बहुत सारी स्पाइडर्स बैठे। मारो मारो, अरे ऊपर नहीं आना, मैं लावा लाकर डाल दूंगा अगर किसी ने ऊपर आने की कोशिश करी। भगवान से, अरे इतनी दूर कैसे मार रहे हो तुम, ले ले, ओए मार देंगे तो। मेरे पास वैसी फूड नहीं है, मत मारो मुझे यार, निकल यहाँ से निकल। एक बार ही ना, पहले मैं थोड़ा सा एरिया ओपन करके देख लेता हूँ आखिरकार यहाँ पर क्या हिसाब है। अरे फूड नहीं है, मत मारो मेरे को प्लीज। हाँ गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर सचमुच में कोई स्पॉनर है। वेट, स्पॉनर मेरे पास होना चाहिए क्योंकि यहीं से मैं ढेर सारी एक्सपी इकट्ठी कर सकता हूँ। फिलहाल अभी ओए पीछे रह, दो मिनट, मेरे को टॉर्च लगानी पड़ेगी वरना मेरा गेम शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा यार। तो यहाँ पर मैं ढेर सारी टॉर्च लगा देता हूँ ताकि ये जो स्पाइडर्स है ये स्पॉन होना बंद करे। तेरी ऐसे की तरह चल निकल यहाँ से, और मेरे को एक टॉर्च बना लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत और टॉर्च रहेगी तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पर भी लगा देता हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए स्पाइडर स्पॉन नहीं होने वाली। यहाँ पर काफी सारी चेस्ट है, इनके अंदर ढेर सारा सामान है, तो ये सारा ही कलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल गोल्डन एप्पल मिल चुका है और ढेर सारा आयरन मिल चुका है, लेट्स गो। इस वाली चेस्ट के अंदर भी बहुत सारा माल है, तो ये भी सारा का सारा मैं उठा लेता हूँ। ओके, बहुत सारा रैंडम आइटम था, मैंने सारा का सारा पैक कर लिया है। फिलहाल यहाँ पर चेस्ट खाली हो चुकी है, चेस्ट ले चलता हूँ, मुझे बनानी नहीं पड़ेगी, इसी के अंदर अपना सामान रखवाऊंगा। मुझे ना एक वाटर बकेट बनानी है, तो मैं सोच रहा हूँ वापस ऊपर जाने की क्या जरूरत है, एक क्राफ्टिंग टेबल और बना लेता हूँ यहीं पे, और इस क्राफ्टिंग टेबल को रखवा देता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर मुझे डालना है तीन आयरन, ये बनके अपनी वाटर बकेट। नीचे से लावा होगा, लावा लेकर चलेंगे ऊपर और स्टोन फार्म बनाएंगे, अनलिमिटेड स्टोन मिलेगा फिर हमें। ओह वेट, यहाँ पर मैंने इसे माइन तो करा है, लावा का साउंड मुझे राइट साइड से आ रहा है,
तो मुझे इस तरफ में बहुत आराम आराम से डिक करना है, कहीं लावा मेरे ऊपर ना आ जाए। हे लावा कहां पर है भाई तू? दो अरे मेरे भाई, ये रहा। काश यहां पर डायमंड हो। मतलब लावा ऐसा देखने को मिलता है तो डायमंड की याद आती है। एक एक गिलास लावा उठा लेते हैं, गिलास भी एक बकेट लावा उठा लेते हैं। एंड यहाँ पर मुझे नहीं लगता डायमंड मिलने वाला है, बट फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत माइनिंग कर लेता हूँ। ऊपर यहाँ पर थोड़ा बहुत आयरन है, तो पहले मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा फ्लोर बना लेता हूँ ताकि जितना भी आयरन है वो सारा मेरी इन्वेंट्री में आए, तो नीचे नहीं गिरेगा वो लावा में। अब मैं इसे तोड़ लेता हूँ आराम से। बाय द वे गाइस, वो जो बुक थी ना उसमें लिखा हुआ था कि हम लोग अपना कस्टम पोर्टल नहीं बना सकते, मुझे पोर्टल ढूंढना ही होगा। मतलब यार ऑलरेडी इस मैप में कहीं ना कहीं पर पोर्टल बना हुआ है, मेरे को वो ढूंढने के लिए काफी ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा। चलो ठीक है, फिलहाल डायमंड तो नहीं मिला, अभी वापस चलते हैं ऊपर यहाँ से। इन्वेंट्री की बैंड बज गई है भाई, सारा सामान मेरे को ऊपर चल के सॉर्ट करना होगा, चेस्टों में रखूंगा आराम से। फिलहाल जाने से पहले थोड़ा बहुत और कोला ले चलते। अरे भाई भाई भाई, अच्छा मैं अभी खुश हो गया था, मैंने कहा अरे यार बाहर बारिश हो रही है। तो हम लोग आए थे इस वाली साइड से, भाग के चलते हैं ऊपर। मैं पूरा सीढ़ीदार रास्ता बनाता हुआ आ रहा हूँ ताकि मुझे चढ़ने के लिए बार बार ही ब्लॉक्स ना यूज करने पड़े। दन, तो अभी मैं आ चुका हूँ एकदम ऊपर। चेस्ट लाया था, मैं चेस्ट को रखवा लेता हूँ यहाँ पर। मैं एक चेस्ट रखता हूँ यहाँ पर और दूसरी अटैच करे भी ना यहाँ पर रखता हूँ, सेपरेट रहेगी तो ज्यादा मस्त रहेगा। फिलहाल अभी सबसे पहले ना मुझे एक फर्नेस बनाना है ताकि जितना भी मैं आयरन लाया हूँ ना वो सारा का सारा स्मेल्ट करके काफी सारे आयरन और बना लूं। आई मीन आयरन इंगेट्स बना लूं। तो यहाँ पर ग्रास हटा के इसे रखते हैं और उसके अंदर डाल देता हूँ आयरन और रॉ आयरन, और डाल देते हैं ढेर सारा कोल ताकि हो जाए। और मेरे पास यार फूड नहीं है और मेरे को अपनी हेल्थ फुल रखनी है। खाओ खाओ खाओ, थोड़ा बहुत रोटन फ्लेश से हंगर आएगा। बट यहाँ पर और क्या ऐसी चीज हो सकती है जो मैं खा सकता? वेट, यहाँ पर सेलमन्स है, लेट्स गो। मैंने देखी थी इसे यार, सेलमन्स अपनी क्वांटिटी बढ़ाती है या फिर नहीं, मैंने इनको कुछ खिलाना पड़ता है, मैंने कभी पाली नहीं है, तो शायद मेरे हिसाब से भी इन्हें मार ही देना चाहिए। मेरे को नहीं पता यार इससे कैसे फूड निकाला जाएगा। मेरे को इतना पता दो सेलमैन है, दो को मार के पका लूंगा तो थोड़ा बहुत फूड हो जाएगा। फालतू का सारा सामान इस वाली चेस्ट में रखवा देता हूँ, ये बाद में अपना सॉर्ट करते रहूंगा। 13 स्ट्रिंग्स हैं और थोड़ी बहुत स्टिक बना लूंगा तो मेरे पास मस्त एक बो का जुगाड़ हो जाएगा। तो लेट्स गो, यहाँ पर से मैं 3 स्टिक बना लेता हूँ, 1 2 3, और पीछे रख देता हूँ 3 स्ट्रिंग, ये बन गया बो। बट एक सेकेंड, बो चलाने के लिए एरो भी तो चाहिए होता है यार। वो तो यार मैं भूल ही गया था। कोई बात नहीं, जब एरो मिलेगा स्केलेटन्स को मार के तो मैं इसे चला लूंगा। फिलहाल आयरन आ चुका, आयरन बाद में, पहले मेरा खाना पकाओ। 8 आयरन आया, इससे चेस्ट प्लेट तो बन जाएगी एटलीस्ट अपनी। एंड एक मैं कोबलस्टोन फार्म बना लेता हूं, यहां पर ढेर सारा कोबलस्टोन उससे इकट्ठा होते रहेगा एकदम मस्त। ये वाला ब्लॉक मुझे तोड़ना है। यहाँ से पानी आए, अरे यार रुको, पहले पानी रोकना होगा। यहाँ पर ना लावा डाल देता हूँ सीधा, अपने आप ही पानी आता रहेगा और ये बनते रहेगा कोबलस्टोन। यहाँ पर बैठ जाता हूँ ढेर सारा कोबल। अरे यार वेट, मैंने क्या करा, ये ऑब्सीडियन आ चुका, इसको मैं तोड़ भी नहीं सकता। वेट, दोबारा से लावा लेकर आना होगा। लावा